hello dear viewers myself Nasir and you're watching mr. zoologist youtube channel today we will discuss about phylum arthropoda's characteristics the exoskeleton and metamorphosis so let's begin the video without any break first of all we are going to look at characteristics uh, distinguishing characteristics which separates them from other phylum animals सबसे पहला जो है वो मेटाम्रिजम मॉडिफाइड बाय बाई स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस जिसे कहते हैं टैगमेटाइजेशन कि हर एक ऑर्गन के स्पेसिफिक होने के साथ साथ स्पेसिफिक फंक्शनिंग टैगमेटाइजेशन में आ जाएगी नेक्स्ट इज कैटनस एक्जोस्कैल्टन दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन और ये मॉडिफाइड होता है सेंसरी स्ट्रक्चर्स के लिए एंड इज मॉडिफाइड फॉर परफॉर्मिंग सेंसरी स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट इज पेयर्ड जॉइंटेड अपनडिजिज़ के पेयर्ड जो जॉइंट्स होते हैं उनके बाहर निकले होते हैं इनके अंदर बाहर को ग्रोथ हुई होती है उसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ एक्म्पेंट बाय एक्डाइसिस और मोल्टिंग अब जो ग्रोथ होती है उसके साथ साथ ग्रोथ के अंदर ये प्रोसेस होता है एक्डाइसिस का या फिर मोल्टिंग का और ये नुमाया खूसियत है इनकी उसके बाद वेंटल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है कोयलम रिड्यूस्ड टू कैविटी सराउंडिंग गोनेड्स एंड समटाइम्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के वहीं तक रिड्यूस्ड होती है गोनेड्स तक और बात एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लड जो है वो टिश्यूज़ के स्पेसिस के अंदर रिलीज होता है जो कि ब्लास्टोकॉइल से ये, ये स्पेसिस आती हैं कम्प्लीट एडजस्टिव ट्रैक्ट होता है मेटामॉरफिस बाजात प्रेजेंट होती है जो कि रिड्यूज़ करती है कंपिटिशन बिटवीन इम मेच्योर एंड एडल्ट स्टेजेस के जो भी मच्योर नहीं होते उनके दरमियान में और जो एडल्ट बने होते हैं उनके दरमियान में अब देखते हैं एक्सोस्केलेटन अब जो एक्सटर्नल जॉइंटेड स्केलेटन होता है उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन या फिर क्यूटिकल जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर आर्थ होता है एक्सोस्केलेटन बाद दफा दे, आ, देखा गया है कि मेजर रीज़न होता है आर्थरोपोर्ट सक्सेस का कि क्यों ये प्रिवेल करते हैं क्यों ये ज़्यादा पाए जाते हैं ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोटेक्शन इम पर सर्विसज ताकि वाटर लॉस कम से कम हो और सिस्टम ऑफ लीवर्स फॉर मसल अटैचमेंट एंड मूवमेंट ये सारे बीसी के अंडर आते हैं एक्जोस्कैल्डन कवर करता है तमाम बॉडी सर्विसज को और इन एमेजिनेशनस को बॉडी वॉल की जैसे कि इंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन होते हैं गट ट्रैक के इसके साथ साथ नॉन लिविंग होता है और सिक्रिटिड होता है सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स अब जो एपिडर्मल लेयर है बाजत इसे हाइपोडर्मिस भी कहते हैं क्योंकि दूसरे एपिडर्मल टिश्यूज की तरह ये कवर्ड होती है आउटसाइड बाई एगजैल्टन रेदर दैन बीग डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर और वाटर के माँ सवाए वो खुली छोड़ी जाए हवा में या पानी में उसको एग्जोस्केल्टन से कवर कर दिया जाता है एग्जोस्केल्टन के अंदर अब दो तरह की लेयर्स होती हैं पहली एपिक्यूटिकल है अब जो एपिक्यूटिकल है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि वैक्सी लिपोप्रोटीन से बनी होती है और इम्परमीबल वाटर इम्पर्मीबल होती है वाटर से और बैरियर के तौर पे एक्ट करती है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्टिसाइड्स के अब जो बा, बाकी एक्टो स्कैल्टन होता है एपिक्यूटिकल के उसे कहते हैं प्रोक्यूटिकल अब क्रस्टेशियन में प्रोक्यूटिकल बात इसे एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं प्रोक्यूटिकल को क्रस्टेशियंस में प्रोक्यूटिकल जो है ये काइटन से बनी होती है और टफ़ लेदरी पोलिसक्राइड से बनी होती है और सेवरल काइंड ऑफ प्रोटीन्स प्रोक्यूटिकल जो है ये हार्डन करती है थ्रू अ प्रोसेस जिसे कहते हैं स्कलेटाइजेशन और बात इम्प्रैगनेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की इसके अंदर स्कलैरटाइजेशन ये है टैनिंग प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोटीन्स की लेयर्स को केमिकली क्रॉस लिंक किया जाता है एक दूसरे के साथ ताकि हार्डनिंग हो सके और डार्कनिंग एक्जोस्केलेडन की इंसेक्ट्स के अंदर और दूसरे बहुत से आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये जो बॉन्डिंग है ये प्रोक्यूटिकल के आउटर पोर्शन में होती है एग्जोस्कैल्टन जो क्रस्टेशियंस का होता है वो हार्डन होता है स्कलरटाइजेशन के जरिए और कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन के जरिए जो कि मिडल रीजन में होती है प्रोक्यूटिकल के बाद जो प्रोटीन्स हैं वो एक्जोस्केटन को रेजिलेंसी देती हैं प्रोटेक्शन देती हैं रेजिस्टेंस देती हैं डिस्टोरशन ऑफ द एग्जोस्केल्टन जो है वो स्टोर करता है एनर्जी को जैसे कि फ्लैपिंग विंग्स और जंपिंग के लिए इनर पोर्शन जो प्रोक्यूटिकल का है वो हार्डन नहीं होता हार्डनिंग जो होती है प्रोक्यूटिकल में प्रोवाइड करती है आर्मर लाइक प्रोटेक्शन आर्थरोपोर्ट्स के लिए जैसे आर्मी प्रोटेक्ट करती है और ये नेसेसिटीज़ होती है वैरायटी ऑफ एडेप्टशन के लिए आर्थरोपोर्ट्स को जो कि अलाउ करती है कि वो रह सकें और ग्रो कर सकें अपने अपने एरियाज़ में इमेजिनेशन जो होती हैं एग्जोस्केल्टन की उनके जरिए फिम रिजिज बनती हैं और बार्स बनती हैं जिनके साथ मसल अटैचमेंट होनी होती है एक और मॉडिफिकेशन जो एग्जोस्केल्टन की है वो है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स और जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और ये प्रेजेंट होती है उन रीजनस में जहाँ पर प्रोक्यूटिकल प्रो थिनर होती है और लेस हार्डन होती है दूसरी मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन में जो एग्जोस्ल्टन है उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स आ जाते हैं जिन्हें कहते हैं सेंसेलिया जो कि पैग्स की फिम फॉर्म में हो सकते हैं ब्रिसल्स की और लेंसेिस की और जो मोडिफिकेशन होती हैं एक्जोस्केल्टन की जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना होता है जो ग्रोथ होती है आर्थरोपोर्ड की वो वर्चुअली इम्पॉसिबल होती है जब तक वो एग्जोस्केल्टन को पीरियडिकली शेड ना करें जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे वैसे वैसे ये शेड करेंगे पीरियडिकली एक वक्त एक स्पेसिफिक टाइम के बाद सच एज इन द मोल्टिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं एक्डाइस मतलब शेडिंग ऑफ ओल्ड एक्जोस्केल्टन पीरियडिकली इज कॉल्ड एक्डाइस के वक्त के साथ साथ एक्जोस्केल्टन को गिराना और नया बनाना एकडाइसिस कहलाता है एक्डाइसिस को चार स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है पहला स्टेज क्या होता है इन्जाइम जो है वो हाइपोडर्मल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं जो कि पुराने क्यूटिकल को डाइजेस्ट करते हैं और सेपरेट करते हैं हाइपोडर्मिस को एक्जोस्कैल्टन से दूसरा स्टेप क्या होता है जो न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल हैं वो सिक्रीट सिक्रीट होती हैं और जो ओल्ड एक्जोस्कैल्टन होता है वो सप्लिट होता है और ओपन होता है अलॉन्ग प्री डिटर्मेंटाइकडाइसल लाइंस कि okay, एक प्रॉपर लाइंस होती है एक डाइसिस की जहाँ पे वो ब्रेकअप होना शुरू होता है और एनिमल स्ट्रैचिज़ बाय एयर और वाटर इंटेक पोर्स इन द प्रोक्यूटिकल सिक्रीट एडिशनल एपिक्यूटिकल इस तरह ये पुराना हैं जो इसकी एपीक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल है वो रिलीज होती है टूटती है और नई उसकी जगह ले लेती है फाइनली जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिपोजिट होता है और स्केलेटाइजेशन होती है हार्डनिंग होती है न्यू एक्जोस्कैल्टन की अब चांदे घंटे जो हार्डनिंग प्रोसेस का होता है उसके दरमियान आर्थरोपोर्ड जो है वो वर्ल्ड होता है प्रीडेटर्स के लिए और रिमेंस हिडन के अपने आप अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए वो छुपा रहता है अब जो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं इन तमाम चेंजेस को और कंट्रोल्स को अब है मैटमोरफोस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इनके आर्थ्रोपोड्स की एवोलूशन में और इनकी प्रिवेलिंग में थर्ड करेक्टरिस्टिक जो है कंट्रीब्यूट करता है आर्थ्रोपोड सक्सेस की रिडक्शन ऑफ कंपटीशन बिटवीन अडल्ट एंड इम स्टेजेस बिकॉज ऑफ मेटामारफिस कि कंपटीशन को कम करता है इमेच्योर स्टेजेस के और अडल्ट स्टेजेस के दरमियान में मेटामारफस एक रेडिकल चेंज होती है बॉडी फॉर्म में और फिजियोलॉजी में जब वो इमेच्योर स्टेज भी होते हैं जिन्हें कहते हैं लारवा अब ये लारवा जो आगे अडल्ट बनता है अब जो एवोलूशन है आर्थरोपोर्ट्स की इसकी जो इसका जो रिजल्ट है वो इंक्रीजिंग डवर्जेंस ऑफ बॉडी फॉर्म से निकला है बिहेवियर से हैबिटेट्स है से जो कि इमेच्योर और एडल्ट स्टेज में अक्कर होती हैं अब जो एडल्ट क्रैब्स होते हैं मिसाल के तौर पे ये अमूमन प्रॉल करते हैं सैंडी बॉटम्स पे मरीन हैबिटेट्स में जहाँ पे वो लाइव प्रेर ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं जबकि जो लार्वल क्रैब्स होते हैं वो लिवर फीड करते हैं प्लैंकटन के ऊपर इसी तरह कैटरपिलर जो है वो फीड करता है लीफी वेजिटेशन पे जो कि डिवेल्प करता है बाद में नेक्टर फीडिंग एडल्ट बटरफ्लाई और मौत या वो बटरफ्लाई बनाएगा या मौत बनाएगा हैविंग डिफरेंट अडल्ट एंड इमेच्योर स्टेज़ इनका मतलब ये होगा कि जो स्टेजज़ होते हैं डो नाट कम्पीट विद ईच अदर फॉर फूड और लिविंग स्पेस कि इन दोनों के दरमियान में कम्पिटिशन बहुत कम हो गया किसके दरम्यान में इमेच्योर स्टेज एंड अडल्ट स्टेज अब बाद आर्थरोपोर्स में और दूसरे एनिमल ग्रुप्स में जो लारवा है वह सर्व करता है एज द डिसज तो ये था हमारे पूरा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक्स एग्जोस्कैल्टन एंड एट द एंड मेटा मॉर्फसिज तो ये थी आज की वीडियो होप्सव लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अर्स एंड शेयर द वीडियो आल्सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैन पीस आउट